नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्टेयरकेस डिज़ाइन। तो एक अच्छी सी हमें स्टेयरकेस अगर बनानी हो तो हमें कितना जगह रिक्वायर रहेगी, कितनी जगह हमें अवेलेबल चाहिए, या फिर जो भी घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो वो बनाने के मतलब बनाने के लिए बनाने से पहले हमें कितना जगह छोड़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में थोड़ा आज का ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। मैं एक प्लान बना देता हूँ छोटा सा। ये हो गया स्टेयरकेस का प्लान। तो मुझे दो फ्लाइट यहाँ पे बनानी है। ये मेरा दो फ्लाइट बन गया, ये लैंडिंग रहेगा हमारा, इसे हम लैंडिंग बोलते हैं। अगर ये नीचे रहेगा स्टार्टिंग में तो इसे लैंडिंग कहा जाएगा, और अगर बीच में रहेगा मतलब ऊपर जाके तो ये मिड लैंडिंग बन जाएगा। तो ये स्टेप्स रहेंगे। अभी यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपको यहाँ पे रखने पड़ते हैं, रेशो मेंटेन करना पड़ता है जगह का आपके पास। अभी मेरे पास जो अवेलेबल स्टेयरकेस है उसका मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ, और आपके पास अगर ये जो मतलब थोड़ा जगह ज़्यादा भी रहेगा तो कोई भी अड़चन नहीं, और कम भी रहेगा तो थोड़ा अड़चन हो सकता है। तो देखते हैं सही मायने में जगह कितना छोड़ना चाहिए हमें स्टेयरकेस के लिए। तो ये वाला सही है हमारा, ऐसे 2520 आपके पास कम से कम जगह चाहिए एक अच्छी सी स्टेयरकेस अगर आपको बनानी है तो। ऐसे में तीन मीटर 615 तकरीबन ये मेरे स्टेयरकेस का मेजरमेंट है। चाहे तो मैं आपको वीडियो उसका दिखा दूंगा कि सही में मेरे पास इतना जगह अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये हुआ मेरा डिज़ाइन, ये मतलब जगह अवेलेबिलिटी, जगह का अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। और अभी मुझे टू फ्लाइट का ये स्टार्ट होगा, यहाँ से टू फ्लाइट का ऐसे होके ऐसे आएंगे, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे मुझे एक स्टेयरकेस बनानी है, तो देखते हैं चलिए कि कैसे बनाना है। अभी सिंपल आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको कम से कम एक अच्छी सी अगर स्टेयरकेस आपको बनानी है तो दोनों जगह पे, दोनों फ्लाइट पे जगह अच्छी होनी चाहिए। आप इसको डिवाइड टू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक साइड कितना मिल रहा है, और उतना सफिशियंट होता है जाने के लिए। कोई भी सामान ही हो रहा है, बड़ा सा सामान भी, अलमारी कपाट अगर होगा आपके पास तो वो भी अच्छे से जाएगा। और यहाँ पे भी वही उसी बारे में सोचना है, अगर वो चीज़ यहाँ पे आ गई और यहाँ से आपको घुमा के ऊपर लेके जाना है उसको ऐसे, तो यहाँ पे ये जगह पे आपका वो अच्छे से घूमना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको सोचना पड़ता है। सिर्फ आपको, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूर बताई होंगी, ये होता है ट्रीड और ये वाला होता है राइजर। तो ये इसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बताते रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस इसका भी रहता है दोस्तों और इसका भी रहता है, ये बहुत और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है उसके। ऐसी एक जाती है वो एक स्लैब रहती है, वेस्ट स्लैब। तो हम ज़्यादा उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर चुके लोग। अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से लेकर बेसिक से बेसिक नॉलेज से लेकर पूरा टोटल स्ट्रक्चरल वगैरह पूरा अगर वीडियो मुझे बनाना है तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो तो मैं बना दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी जगह का कितना होना चाहिए और उससे एक अच्छा स्टेयरकेस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास हाइट है, एक सेक्शन भी बना देता हूँ, ये वाला स्टेयरकेस है एक, ये मिड लैंडिंग हो गया, और यहाँ से एक स्टेयरकेस जाएगा। तो ये जहाँ भी मतलब
टच होगा, लास्ट वाला जो हमारा स्टेप रहेगा समझ लीजिए ये है, तो यहाँ ये वाला और ये वाला, ये फर्स्ट स्टेप का और ये फ्लोर का लास्ट वाली स्टेप, तो ये मेरे पास अवेलेबल जगह है 3 मीटर ये हाइट, हाइट हो गया। अभी मेरे पास क्या है, विड्थ है 2520, लेंथ है 3615, हाइट है 3000। तो ये आप नोट डाउन कीजिए, इतना जगह आपको ज़रूर कंसिडर करना होता है जब भी आपको स्टेयरकेस अच्छी वाली बनानी हो। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करते हैं हम लेंथ को, क्योंकि इसके ऊपर हमारा मेन पार्ट डिपेंड रहता है कि हमारा राइज कितना रहेगा और ग्रेड कितना रहेगा। तो लेंथ के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, 3615। आपको एक शायद ये भी थंब रूल पता होगा कि कम से कम 230 का ट्रीड होना चाहिए लेंथ में, मतलब क्या दोस्तों, ये वाला, ये वाला, ये लेंथ ही हुआ ना, ये वाला लेंथ हुआ, ये लेंथ हुआ, तो ये तो डायगोनली है ना, तो ये सिर्फ ऊपर जाके आ गया अभी, लेकिन ये तो लेंथ ही पकड़ना पड़ेगा आपको, ये वाला भी, ये वाला भी नीचे, ये वाला भी नीचे, है ना। तो सिंपल से आपको मैंने समझा दिया कि लेंथ मतलब क्या है, तो ये टोटल लेंथ को आप डिवाइड करेंगे, कम से कम आपको 230 का ट्रीड लेना पड़ता है, ट्रीड माने यही अपना जो स्टेप मैंने आपको लेंथ वाला समझाया था, तो इसको डिवाइड बाय 230 करो या फिर 250 करो या फिर 260 करो, 270 करो, आप इतना एमएम का आपका ट्रीड कम से कम होना चाहिए, कम से कम 230 उसके नीचे होना नहीं चाहिए दोस्तों। तो आप अलग अलग, इससे मेरा 250 है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे आपका, तो 3615 डिवाइड बाय 250 मेरा जो मुझे रखना है ट्रेड, तो ये गलत रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड में यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको अभी आपको सोचना है इसके बारे में, ये जो लैंडिंग है, अभी मान लेता हूँ मैं कि मुझे ये 1121 मेरा जो है उसी के बारे में बोल रहा हूँ, ये 1121 यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये इतना पोर्शन, इतना मुझे 1121 छोड़ना है ताकि यहाँ से मूवमेंट अच्छे से हो सके। 1200 भी छोड़ सकता था, लेकिन थोड़ा सा जगह भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तो जगह आप छोड़ नहीं सकते हो, अगर छोड़ सकते हो तो बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ, 3615 माइनस 1121, ये 1121 क्या है मेरा मिड लैंडिंग या फिर लैंडिंग, ये जगह मेरा यहाँ पे माइनस हुआ। तो ये आप यहाँ से अगर ये वाला जगह माइनस करते तो आपके पास बचेगा वही जितना आपका 250 वाला ट्रेड में बैठने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9 ट्रेड हमारे 9 रहते हैं और ये लैंडिंग मिड लैंडिंग मिला के 10 हो जाते हैं, ये वाला मिड लैंडिंग मिला के 10 हो जाता है ट्रेड, तो ये बड़ा और पार्ट रहता है, तो इसको तो ट्रेड नहीं बोलेंगे, इसको एक अलग से नाम दिया है हमने मिड लैंडिंग। तो अभी मेरे पास बचता, अभी कितना बचने वाला है, 1120 माइनस करने के बाद में अभी मेरे पास बचेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते, अभी आपको ये मिल जाता है, इसका आंसर मिलेगा 2484। इसमें और माइनस क्या होगा दोस्तों, जो हमारा बीम, तो मेरा बीम है 230 का, ये देखिए यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा, तो
ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे लैंडिंग है आपका, यहाँ पे एक बीम लेना पड़ता है आपको, जिसे हम मिड लैंडिंग बीम भी बोलते हैं, ये वाला। यहाँ पे ब्रिक वर्क भी होता है, तो ये वाला भी तो माइनस होगा ये टोटल लेंथ में, तभी तो ये लैंडिंग का सही जगह अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिया है मैंने बीम 230 का, तो मुझे मिलता है 2254। इसमें माइनस कर देंगे स्कर्टिंग, ये वाला। यहाँ पे लैंडिंग के सामने जो यहाँ पे नीचे स्कर्टिंग आने वाला है, उसका थोड़ा सा 1-2 mm अपन पकड़ लेते हैं थोड़ा कट के। तो इस ये समझ लीजिए हम 4 mm उसको मान के चलते हैं, तो 2250 हम पकड़ के चलते हैं। ये 2250 अभी मुझे टोटल लेंथ मिला, 4 ट्रेड, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास पूरा जगह इतना था, 1121 का मैंने कंसीडर किया मिड लैंडिंग, और उसके बाद में आंसर आया ये, उसमें से बीम भी माइनस किया और एक 4 mm का मैंने स्कर्टिंग मान के चला, तो 2250 मेरा टोटल ट्रेड बचा रहा। मतलब माइनस ये भी हुआ इसमें अभी बीम ये वाला, और ये लैंडिंग भी हो गया। अभी बचा मेरे पास सिर्फ इतना जगह जो कि ये ट्रेड के लिए है। तो अभी 2250, जैसे कि मैंने यहाँ पे बल्ब आपको बताया है कि मैं 250 का ट्रेड लेना, मतलब मेरा 250 का ट्रेड है, इसको 250 कर दीजिए, आपको आंसर आएगा 9 नंबर्स। 9 और +1 क्या होता है अपना, ये वाला लैंडिंग का जो बड़ा ट्रेड रहता है, लेकिन उसको अलग से नाम दिया है इसलिए उसको ट्रेड हम नहीं कंसिडर करते। तो 9 हो गए, अभी चलते हैं राइज के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रेड 9 नंबर्स साइज ऑफ 250 mm, ये वाला एक हो गया हमारा सॉल्व। अभी चलते हैं राइजर की तरफ। तो राइजर हमारा वो भी एक स्टैंडर्ड हमने लेना, साइज रखनी चाहिए कम से कम 100 mm से आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि 100 mm से आप ले सकते हो तो 170-180 तक, तो मैं 150 का आपको एक 6 इंच का माने आप बोलते हैं सफिशियंट और अच्छा रहता है, रिलायबल रहता है, तो हम 150 का मान के चलते हैं। और मेरे पास वही है, इसके हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो मेरे पास हाइट कितना था दोस्तों, यहाँ पे 3000, और यहाँ पे एक प्लान बनाया था मैंने, सेक्शन बनाया, ये बीच वाला पोर मिड लैंडिंग था एक, और ये फर्स्ट फ्लोर लेवल से, और ये ग्राउंड फ्लोर टॉप से, ग्राउंड फ्लोर टॉप से फर्स्ट फ्लोर लेवल तक ये मेरा हाइट था 3000। तो यहाँ पे उसका पार्टीशन हो गया वही हाइट का, सेम ऐसे सेक्शन में आपको दिखने वाला है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3000 डिवाइड बाय 2, तो ये 1500 मिलेगा, ये 1500 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एकदम आसानी से आप उसको ये कर सकते हो, 1500 डिवाइड बाय 150 इक्वल टू 10 नंबर्स, मतलब राइज एकदम आसानी से आपका निकल गया 10 नंबर्स साइज ऑफ 150 mm। देखिए दोस्तों इतना सा आसान सा ये आपको कैलकुलेशन रहता है इसका। तो बहुत से आपने बहुत बार वीडियो आपने देखी होगी, तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता रहता होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की दोस्तों ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको चौड़ाई चाहिए 2220, लेंथ चाहिए 3615, कुल मिला के ये सब कुछ। यहाँ पे विड्थ का भी आपको आप कंसिडर करोगे तो इसमें भी आपको दो दो साइड में ये और ये साइड में रेलिंग छोड़ना पड़ता है हैंड रेल,
कभी कभी यहाँ पे भी कमी कॉमन आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया आपने, ये एक रेल हुआ, ये एक रेल हुआ, यहाँ से ऊपर चढ़ गए आप, तो यहाँ से ये ऊपर में उठा ऐसा, ये एक रेल हो गया और ये एक रेल हो गया, तो ये रेल का भी आपको एक 3 3 इंच या 2 इंच का भी आप रख सकते हो, या फिर एसएस का डायरेक्टली 2 इंच पाइप में बना सकते हो उसको, या फिर एमएस का भी बना सकते हो जैसे आपका बजट हो, तो वो भी आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला और ये वाला मुझे जगह कितना मिल रहा है करके, और हाइट आपको 3000 mm कम से कम चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक सेक्शन आपको बना देता हूँ, तो आपको शायद थोड़ा सा सिंपल हो जाए समझने के लिए। ये देखिए दोस्तों, आप स्टेयरकेस को कौन से नज़रिए से देखते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से या फिर टेक्निक बताने वाला हूँ स्टेयरकेस को समझने की। अभी ये आपका है, ग्राउंड टॉप, ये आपका ग्राउंड टॉप हो गया, यहाँ से आपका पहला राइज जर शुरू हुआ, समझ में आ गया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा सिर्फ अभी आगे से आपको जो भी स्टेयरकेस बनानी हो या फिर देखनी हो या फिर कोई भी कैलकुलेशन बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको सिर्फ इसी नज़रिए से देखना है। अभी क्या देखना है, पहले आपको ग्राउंड का टॉप, उसके बाद पहला राइज, उसके बाद पहला ट्रीड, ये ट्रीड, फिर से एक राइज, फिर से एक ट्रीड, फिर से एक राइज, फिर से एक ट्रीड, अभी यहाँ पे फिर से एक राइज, और ये एक लैंडिंग भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है, ये मिड लैंडिंग। अभी यही से आपका दूसरा स्टेयर के चालू होता है, आपने अगर सही ढंग से अगर आपको आप प्लान वगैरह देखते या फिर साइड पे देखते तो आपको समझ में आएगा। देखो यहीं से ही आपका एक राइज उठता है, ये पहला राइज, ये ट्रेड, फिर से एक राइज उठता है, इसके लाइन में लेता हूँ ताकि आपको आगे वाला जो समझाना चाहता हो वो समझ सके। ये वाला राइज, ये वाला ट्रेड, ये वाला फिर से राइज, ये वाला फिर से ट्रेड, तो इसी हिसाब से आपको स्टेयरकेस को इसी नज़रिए से देखना है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये वाला पोर्शन, ये आपका 250 लेने की कोशिश करना है, आपको 230 भी ले सकते हो, 260 भी ले सकते हो, 270 280 तक भी जा सकते हो। ये वाला पोर्शन कितना लेना चाहिए आपको, 150, 100 भी ले सकते हो, 120 130 140 150 160 170 तक ले सकते हो, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे मिड लैंडिंग आपको इसके बारे में क्या सोचना है कि ये मिड लैंडिंग जो है, ये इतना पार्ट, ये मिड लैंडिंग यहाँ से यहाँ तक, ये कम से कम आपको 1121 से लेकर 1200 तक आप इसको ले लो, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा बढ़ाने की, ये जगह इतना आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे पीछे ये क्वाल आपको दिखाई पड़ती है ऐसी, यहाँ पे जहाँ पे लैंडिंग होता है वहाँ पे एक बीम होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको मिड लैंडिंग बीम बोलते हैं। ये वाला वॉल ऐसे ही कंटिन्यू यहाँ तक आएगा। अभी ये जो पहला आपका राइज हुआ था, ये समझ लीजिए आपको ग्राउंड का जो टॉप है, तो इसे हम प्लिंथ का टॉप कह देते हैं, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देना है, आप ग्राउंड के बजाय इसको प्लिंथ का टॉप बोल दीजिए, जो कि आपका नहीं ठीक है, आप इसको ग्राउंड का टॉप भी बोल सकते हैं, लेकिन प्लिंथ टॉप और ग्राउंड टॉप में कुछ फ़र्क ज़्यादा होता नहीं है। प्लिंथ टॉप के ऊपर अगर आप स्लैब डालना चाहते हो तो आपका वो ग्राउंड टॉप बन जाएगा,
प्लेन टॉप, अगर आप वही ग्राउंड प्लेन बीम को ही सिर्फ पीसीसी करवा के छोड़ दिए तो वो दोनों भी एक ही बात हो गई। समझ में लेना यही कि लेवल्स लेवल्स, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे भी आपको एक बीम लेना, ये एक बीम रहता है आपका जो कि प्लेन बीम रहता है ये वाला। तो यहीं से आपको ऐसा स्टार्ट होता है, ये प्लेन बीम को ये एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो यही से आपका फ्लाइट चालू चालू होता है ऐसे। तो यहाँ पे भी एक बीम रहता है आपका वही प्लेन प्लेन वाला। इसी व्यू से आपको देखना है स्टेयरकेस को। तो ये बीच में जो भी आएगा ये आपका ब्रिक वर्क रहेगा, या फिर आप आरसीसी पर्दी भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। ब्रिक वर्क ठीक है, कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे। तो आपको क्या कंसिडर करना है कि इसके लिए कम से कम 230 cm जगह छोड़नी है आपको। इसके ऊपर प्लास्टर भी लगने वाला है तो उसकी मुताबिक आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। या फिर आप स्कर्टिंग मान लीजिए, यहाँ पे स्कर्टिंग लगेगा मिड लर्निंग पे, तो वही आपको कैलकुलेशन में लेने हैं। तो तकरीबन आपको कहाँ से कंसिडर करना है कि जगह कितना चाहिए स्टेरकोस बनाने को, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ आपको चाहिए होती है, ये फेस से ये फेस तक। और हाइट कितना चाहिए वो तो मैंने आपको बताया। अगर कम ज़्यादा हो तो आपको उसको सिर्फ हाइट को डिवाइड करके देखना है। 150 का राइज लेना चाहते हो तो 150 डिवाइड करना है, 160 का लेना है तो 160 करके देखना है कितने बैठते। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ेगा कि आपके हाइट के हिसाब से थोड़े राइज कम ज़्यादा मिलेंगे और ट्रीड भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। सिर्फ फ़र्क उसमें कुछ नहीं पड़ने वाला, या फिर थोड़ा बहुत राइज और ट्रीड का आप नंबर्स एक जैसे रखना चाहते हो तो ये थोड़ा बहुत इसका ट्रीड कम हो सकता है या फिर राइज का हाइट कम हो सकता है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है। मतलब लेन में कुछ कम होगा तो ट्रीड कम हो जाएगी या फिर उसका साइज़ कम हो जाएगा ये मार्जिन। और हाइट में अगर कम कम हाइट आपके पास है उससे 3000 mm से, तो अपना आपका राइज कम हो सकता है 150 के अलावा 120 या फिर आपको 130 लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा या फिर कम राइज लेना पड़ेगा। इतने साइज़ के लेने हैं तो राइज आपकी नंबर ऑफ 10 नहीं आएगी तो कम लेना पड़ेगा। तो थोड़ा एडजस्टमेंट आपको साइड पे करना पड़ता है। उसके बारे में भी अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा, आप मुझे कमेंट पे सजेस्ट कीजिएगा। तो ये हुआ आपका एक जनरल आपको नज़रिया, आप स्टेयरकेस को किस नज़र से देखते हो वो नज़रिया। अभी यहाँ से जो स्लैब जाती है दोस्तों, इसे हम वे स्लैब कह दें, वे स्लैब कहते हैं इसे। अभी ये स्टेयरकेस का थोड़ा सा यहाँ पे देखा देता हूँ नीचे। ये स्टेयरकेस जब आपका बनता है ऐसे 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 ऐसे, और ये आपका मान लीजिए यहाँ पे इतना स्लैब है, ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग हो गया अभी यहाँ से। तो आपको स्टील जब आप रिइंफोर्समेंट करते हैं तो आपको स्टील हमेशा याद रखना है कि ये ऐसे टॉप का बार जो आया है वो यहाँ से बॉटम में जाके ऐसे जाएगा, और इसका जो बॉटम का बार आया है वो टॉप में जाके ऐसे आएगा। मतलब ये जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो रहा है, कहने का मतलब इतना ही है सिर्फ, ये जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है इसे हम सीज़र कहते हैं, सीज़र। तो यही यहाँ पे आपको सीज़र यहाँ पे हमेशा बनाना है, इसी हिसाब से आपको रिइंफोर्समेंट करना होता है स्टेयरकेस का। तो इतना ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। और ये एक चीज़ आपको जो और भी एक ध्यान में रखना है कि ये पहले आप ये कास्टिंग पहले करना है आपको, जो कि आपका ग्राउंड का फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ग्राउंड से अप टू फर्स्ट फ्लोर लेवल। तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करने वाले तो ये वाला पहले आपको स्टेयरकेस कास्ट करके कर लेना चाहिए, उसके बाद में ये वाला स्टेयरकेस है आपका। तो ये आप छोड़ देना है इसको, ये सिर्फ स्लैब के साथ ही इसको भरना है आपको, जो आपकी स्लैब रहेगी। मान लीजिए ये स्लैब है तो स्लैब के साथ ही इसको भरना है, मसाला डालना है, स्लैब के साथ में ही इसको भरना है। ये आप पहले ही भर सकते हो।
तो ये हो गई थोड़ी थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स आपको दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए और भी स्टेयरकेस पे कुछ अलग से कुछ बना के देना है, तो मैं बना के दूंगा ज़रूर दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े रहने हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए इस घंटी पर क्लिक करें।